नमस्कार, मैं हुधनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व कल्याण हेतु प्रकृति तथा भारत की जीवनदायिनी नदियां विश्व धरोहर मां नर्मदा संरक्षण संवर्धन जीवनदायिनी नदियों प्रकृति संरक्षण संवर्धन के लिए 507 दिनों से दुनिया का सबसे बड़ा निराहार जन जागरण सत्याग्रह कर रहे समर्थ सदगुरु ने ग्रहण किया। पूज्य गुरुदेव से जल रूपे जीवन से निराहार मात्र नर्मदा जल पर रहकर माँ नर्मदा सेवा यात्रा कर रहे परम पूज्य संत श्री भैया जी सरकार समर्थ श्री धुनी वाले दादाजी का नगर अनेक स्थानों पर आत्मीय स्वागत किया गया है। इस दौरान उन्होंने दुर्गा मंदिर के पास आमजन को संबोधित किया। उन्होंने माँ नर्मदा के संरक्षण के लिए सभी को जागृत किया एवं आह्वान किया है कि नर्मदा नदी के किनारे वृक्षारोपण अवश्य रूप से करें। प्रकृति पर्यावरण धरा जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण संवर्धन के साथ प्रकृति केंद्रीय जीवन शैली और विकास पर विशेष सत्संग किया। उन्होंने कहा, आनंद नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, धर्म के मूल में ही आनंद है। जगात नदी इम्बा नर्मदा ही आनंद को प्रकट करती है। हर स्थिति में परिस्थिति में आनंद में रहो, यही गुरु गोविंद सिखाते हैं। सत्संग के बाद संत भैया जी सरकार का नर्मदा परिक्रमा कर रहे संतों के साथ हुआ नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अनिता लखेरा के निवास पर आगमन। मां नर्मदा और उनसे जुड़ी छोटी बड़ी नदियों का शुद्धिकरण भैया जी सरकार द्वारा बताया गया है कि सरकार कितनी भी पैसा खर्च कर जब तक हम सभी नर्मदा माँ को मन से साफ करने की दृढ़ शक्ति मन में नहीं लगाएंगे तब तक शुद्धिकरण संभव नहीं है। नरसुल्लागंज से चांद मिया की रिपोर्ट। सबरी के झूठे बेर खाता है, भक्ति का पाठ पढ़ाता है, कामदगिरी पहाड़ों का मान बढ़ाता है और पहाड़ों को उठाकर जो है गांव को बुलाकर पहाड़ों को मान देता है, खुद को गिरिराज बताता है, गौओं के संग रहता है, गोपाल कहलाता है, गोविंद कहलाता है। साबुन लगाने से थोड़ी साबुन शैंपू गाड़ियां घूम रही है, स्नान, अरे स्नान ठीक है, उसके तो दर्शन मात्र से जो है रोग दोष दूर हो जाते हैं। नर्मदा के जल में प्रवाहित जल का स्पर्श यदि कोई कर ले तो शरीर की व्याधियां नर्मदा के जल के स्पर्श से दूर हो जाती है, साबुन शैंपू लगाने से दूर होती है। अरे साबुन शैंपू घर में लगा लेना, नर्मदा के द्वार पे साबुन शैंपू की है, साबुन लगाने से थोड़ी साबुन शैंपू गाड़ियां घूम रही है, स्नान, अरे स्नान ठीक है, उसके तो दर्शन मात्र से जो है रोग दोष दूर हो जाते हैं। नर्मदा के जल में प्रवाहित जल का स्पर्श यदि कोई कर ले तो शरीर की व्याधियां नर्मदा के जल के स्पर्श से दूर हो जाती है, साबुन शैंपू लगाने से दूर होती है। अरे साबुन शैंपू घर में लगा लेना, नर्मदा के द्वार पे साबुन शैंपू। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।